अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। मैं कल एक वीडियो लेकर आया था, बहुत ही शानदार वीडियो थी। उसमें मैंने आपको बताया था कबूतर के लिए पौष्टिक मिट्टी, और इतनी अच्छी मिट्टी बताई थी, इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक और नई जो बीमारी इस टाइम जो गुजर रही है, उस बीमारी का इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। किस बीमारी का इलाज बताने वाला हूँ? तो दोस्तों वो बीमारी है कबूतर की आँख में पानी आना। ये छोटी बीमारी नहीं है, ये है फैलने वाली बीमारी, जिससे बहुत ही जल्दी कबूतर पकड़ लेते हैं और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे को ये बीमारी फैलती जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आखिर आपको क्या देना है और क्या आपको इसका इलाज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कबूतर की आँख में जो पानी आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से कुछ कबूतर की आँखों में पानी आने लगता है। ये पट्टा है, और दोस्तों कल तक तो ठीक था, आज इसकी आँखों में ये देखिए किस तरीके से पानी आ रहा है। तो मैं आपको इसका इलाज बताने वाला हूँ। अभी बच्चा है ये, ठीक है दोस्तों? और ऐसा नहीं है, इसकी बदौलत हो सकता है किसी और की भी आँखों में बीमारी आने लगे। तो मैं आपको इसका इलाज ऐसा बताने वाला हूँ, जो ये कबूतर आज अगर डालोगे कल आधे से भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा, और कल अगर आप इसको यूज़ करोगे कल बिल्कुल बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या क्या डालना है। तो दोस्तों मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ, इसके लिए आपको पहली चीज़ क्या लेनी है। पहली चीज़ है आँखों के लिए ये, ठीक है दोस्तों? ये आपको आँखों में आई ड्रॉप डालना है। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, इसका नाम है सीप्लॉक्स, ठीक है? इस कंपनी की काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है? सीप्लॉक्स डी भी आती है, हर तरीके की, मतलब इसके में चार पांच तरीके की दवाई है, ठीक है? आपको सीप्लॉक्स लानी है आई ड्रॉप। इसको आप कबूतर के कानों में भी डाल सकते हो और उसकी आँखों में भी डाल सकते हो, ठीक है? ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये देखो मात्र 18 से 19 रुपये की आपको ये मिल जाएगी, ठीक है? बहुत ही अच्छी है ये, वायरस को, बैक्टीरिया जितने भी कबूतर की आँखों में होते हैं उसको मारने के लिए बहुत ही शानदार आई ड्रॉप है, और सस्ती की सस्ती है, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए मैं आपको दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही चीज़ें डालनी है, ठीक है? आपको मैं दूसरी चीज़ भी बता देता हूँ, इसके लिए आपको दूसरी चीज़ क्या लेनी है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये, ठीक है दोस्तों? ये मैं लिख के आया था, दूसरी चीज़ लेनी है आपको ये गोली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। मान लो दो दिन में आपके, अगर आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करोगे ना, एक तो ये आई ड्रॉप और ये दवाई, तो दोस्तों मानोगे नहीं, आपके कबूतर दो दिन में बिल्कुल एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है? आई ड्रॉप के तो बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं आपको दवाई को भी बता देता हूँ, इस दवाई को आपको कैसे यूज़ करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। दोस्तों जब भी आप कबूतर की आँखों में दवाई डालोगे, आपको ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट में डालना है या 5 मिनट में डालना है, ठीक है दोस्तों? इसको आपको सुबह डालना है और बस एक शाम को डालना है, जब आप कबूतर बंद करोगे, ठीक है? अब मैं आपको दवाई का तरीका बताता हूँ, आपको दवाई कैसे देनी है, ठीक है दोस्तों? दवाई आपको देनी है, ये नाम बता देता हूँ पहले मैं इसका, इसका नाम है ओडोक्सिल 250 DT, ठीक है? स्क्रीन पे मैं आपको इसका रैपर लगा दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको देख पाओगे कौन सी गोली है, ठीक है? इसका नाम है ओडोक्सिल 250 DT, ये मात्र आपको 40 से 42 रुपये की मिलेगी 10 गोलियाँ, ठीक है? महंगी नहीं है, सस्ती है, आप 50 रुपये में इलाज कर सकते हो, ठीक है? ये आपको चौथा हिस्सा देना है, आप इसको ले लो, एक गोली निकाल लो, एक गोली में से चार टुकड़े कर लेना, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है? आप इसको चार टुकड़े कर लेना, और चौथा हिस्सा सुबह देना है, चौथा हिस्सा शाम को देना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं देना ना कम देना है, चौथा ही हिस्सा आपको लगाना है, ठीक है? मानोगे नहीं, आपके दो दिन में कबूतर, आप कोई आएगा बिना कह नहीं पाएगा कि हाँ भाई आपके कबूतरों की आँखें आई थी या आपके कबूतर बीमार थे, ठीक है दोस्तों? ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे।
ये देख लो, सीप्लॉक्स और ऑडोक्सिल 250 DT, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन दो गोलियों के। कबूतर की आंखें बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी रिकवर करेगी ना, आप मान नहीं पाओगे। और आई ड्रॉप आपको कोई भी नहीं लेना, आई ड्रॉप आपको यही लेना है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, यह है सीप्लॉक्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया और वायरस मारता है और इन्फेक्शन ख़त्म करता है आँखों का, ठीक है दोस्तों। इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए वायरस या इन्फेक्शन ही होता है जो आँखों से पानी आता है, तो आपको यही आई ड्रॉप लेना है, सीप्लॉक्स, ठीक है। आपको दूसरा आई ड्रॉप नहीं लेना है, ये सीप्लॉक्स ही लेना है। सीप्लॉक्स डी मत लेके आ जाना, सीप्लॉक्स कहना। और दूसरी चीज़ दवाई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से देना है, आई ड्रॉप कैसे डालना है। आई ड्रॉप डालने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, हर किसी को नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी जो अच्छे कबूतरबाज है वही जानते हैं, जो नए नए हैं वो नहीं जानते किस तरीके से आई ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं, कबूतर पकड़ा, आँख में टपकाया, टपकाने के बाद कबूतर छोड़ दिया, इस तरीके से आई ड्रॉप नहीं डाला जाता। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी कबूतर पकड़ के किस तरीके से आई ड्रॉप डाला जाता है। ये देखो किस तरीके से डालनी है, ये आपको एक बूंद टपकाई, ठीक है, ये तो खैर नीचे टपक गई, मैं ठीक तरीके से डाल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आपको एक बूंद टपकाई और इस तरीके से ना इसकी पलक को आगे पीछे करना है, ये देखो इस तरीके से, जिससे कि इसकी आँख में अच्छे तरीके से चला जाएगा। ये देखो, क्योंकि मैं सर की जो खाल है ना उसको आगे पीछे कर रहा हूँ, और नीचे से भी वही करना है। जो बूंद है ना कबूतर की आँखों में अच्छी तरीके से समा जाएगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मली डाल के छोड़ दोगे ना तो ये आँखें बंद करेगा, बूंद टपक जाएगी नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपको डालनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे किस तरीके से कबूतर की आँखों में आई ड्रॉप डालना है, और कौन सी ड्रॉप लानी है आपको, और कौन सी दवाई लानी है। ये मात्र 50 रुपये का आपका खर्चा है, मगर कबूतर आपके एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।